व्यवस्थापित किया है, किसी ने व्यवस्था दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वो बहन अपनी भाभी को ढांढस बंधाती है और अपने शहीद भाई जिसका सर नहीं था अपनी भाभी से उसके बारे में कहती है। ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कर था। वो बहन अपनी भाभी को ढांढस बंधाती है, वो भाभी जिसकी जो नई नवेली थी, जिसकी अभी तक हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, और उसका पति देश के लिए कुर्बान हो जाता है, उसका धड़ रखा हुआ है। तब ननद कहती है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। थी जब वो हुआ शहीद, उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ को देखता कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल थे, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और उन्हें हिलाता है। पत्थर बनी हुई उस माँ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा क्या कहता है, मैं अब तक मैंने ये कहा कि तालियां बजाइए, मैं आपसे कहती हूँ अपने हाथों को रोक कर रखिए, यदि एक भी आंसू छलके तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना